नमस्कार, मैं सुनील भाटिया, भाटिया कैनल का ओनर। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि हमने सन 2000 से अपना कैनल स्टार्ट किया और टिल आज तक ब्रीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमने ब्रीडिंग स्टार्ट की सन 2000 में, वो सेंट बर्नार्ड डॉग से स्टार्ट की। तो एक ही डॉग होता था हमारे पास, उसके बाद हमने डॉग इम्पोर्ट कराए, उसके बाद इंडिया में ब्रीडिंग स्टार्ट की और बहुत अच्छे लेवल पर ब्रीडिंग की। बहुत हैवी हेड के पपीज़, डायरेक्ट अमेरिकन पेडिग्रीड के पपीज़ हमने अपने कैनल पे ब्रीड किए। हमारा कैनल लोकेटेड है नीलोखेड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल में, और आज हमारे पास लेब्राडोर रिट्रीवर, अमेरिकन अकीता, रॉटवाइलर, इंग्लिश मैस्टिफ एंड अमेरिकन बुली, ये चीज़ ब्रीड होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत से लोग सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक एंड ऑनलाइन पपी बाय करते हैं, ना तो उन्हें जनरेशन का पता होता है कि क्या जनरेशन है, पेरेंटल लाइन क्या थी, क्या वैक्सीनेशन रिकॉर्ड था, क्या उनके जीन्स थे। बस वो कुछ लोग क्वालिटी ना लेकर सिर्फ प्राइस को देखकर जो ब्रोकर से बाय कर लेते हैं पपीज। तो मेरा सबसे ये कहना है कि प्लीज़, आप जो भी पपी परचेज करते हैं, आपने उसे 10 से 12 साल 14 साल अपने साथ रखना है, तो आप क्वालिटी को देखिए ना कि उसके प्राइस को देखिए। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप ब्रीडर से पपी लीजिए और उसकी ब्रीड चेक कीजिए, उसके पेरेंट्स चेक कीजिए और फिर अपने लिए एक पपी बाय कीजिए। पपी लेना कि मतलब उसके साथ लाइक आ एक फैमिली मेम्बर। तो आप लोग, मेरा यही मानना है कि उनके पेरेंट्स देख के किसी अच्छे ब्रीडर से पपी लीजिए, चाहे कहीं से भी लीजिए। अब हमें 18 साल हो गए, 19 साल लगभग ब्रीडिंग करते हुए। इस टाइम हमारे पास 60-70 डॉग्स हैं जो कि खुद ब्रीड किए हुए हैं, जिसके अंदर अपनी ब्रीड के अंदर 25-30 चैम्पियन हैं। अकीता, सेंट बर्नार्ड, लेब्राडोर, रॉटवाइलर एंड अमेरिकन बुली, इंग्लिश मैस्टिफ, पब्स, एवरीथिंग। आपको जब भी आप पप परचेज करते हैं हमारे से, तो कई लोग कहते हैं कि सर हम पप परचेज करते हैं कहीं से, यूट्यूब से, तो वो यूट्यूब से लेते हैं तो उसके बाद उन्हें कोई भी गाइडलाइन नहीं मिल पाती। लेकिन हमारे पास लास्ट 19 ईयर्स का जो है हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम पपी जब आप लेके जाते हैं आपको टोटली गाइडलाइन देते हैं कि आप कहाँ से वैक्सीनेशन कराइए, कहाँ से आप जो कि है सामान परचेज कीजिए, आपको कहाँ से बेस्ट प्राइस मिलेगा हर चीज़ का, और आप कहाँ से अपने पप्स के लिए अच्छे से अच्छा सामान बाय कर सकते हैं।
ये आप देख रहे हैं पपी, ये अमेरिकन बुली पपी है, पॉकेट साइज़ में लगभग 50 डेज़ का पपी है ये, और अराउंड 8 to 9 केजी वेट होगा। ये हमारी होम ब्रीड पपी है, तो मल्टी ब्रीड है हमारे पास। आप जब भी किसी भी ब्रीड का आपका मन हो तो आप प्लीज़ एक बार संपर्क कीजिए हमारे से, भाटिया कैनल नीलोखेड़ी डिस्ट्रिक्ट करनाल में, और ऑल ओवर इंडिया, एशिया, श्रीलंका तक हमारे पपीज़ जाते हैं। तो किसी भी तरह का आपको पपी, किसी भी ब्रीड का पपी चाहिए हो तो आप एक बार किसी ब्रोकर की बजाय अच्छे ब्रीडर से संपर्क कीजिए, हमारे पास आइए, तो आपको बहुत ही अच्छा पपी हम प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर गाइडलाइन देंगे टिल लाइफ, जब तक पपी की लाइफ है तब तक। इस ब्रीड का नाम है अमेरिकन अकीता, और ये हमारा डॉग है इंडियन चैम्पियन जॉय। इसके जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्ट यूएसए से इंपोर्ट हैं, और बहुत ही अच्छे पप्स प्रोड्यूस करता है ये ब्लैक मास के। अगर आपको मेटिंग करानी हो या आपको इसके पप्स लेने हो तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं वो। और ये बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग है एंड एग्रेसिव नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ये बहुत ही एग्रेसिव डॉग है, लेकिन बहुत ही एक्टिव नॉटी डॉग है ये। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रीड है लैब्राडोर रिट्रीवर, एंड ये इंडियन चैम्पियन है, हमारी होम ब्रीडिंग पपी है ये। फादर इसके डायरेक्ट इंपोर्ट यूएसए, एंड हैवी हेड हैवी टेल जो लैब्राडोर में चाहिए होता है वो सब है इसमें। एंड लैब्राडोर रिट्रीवर आप सभी को पता है बहुत ही स्निफिंग डॉग है, स्मेलिंग पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। लगभग मधुबन पुलिस, मेट्रो पुलिस, ONGC में सब जगह यही ब्रीड इस्तेमाल होती है, एंड घर के लिए भी बहुत अच्छी ब्रीड है ये। सर ये ब्रीड है सेंट बर्नार्ड, ये अमेरिकन से इंपोर्ट है डायरेक्ट, ये इंडिया की ब्रीड नहीं है, क्योंकि इसका जो एक कोट देख रहे हैं आप बिल्कुल स्मूथ हेयर है, इसे शॉर्ट हेयर सेंट बर्नार्ड कहते हैं। कई लोग हेयर्स के कारण ये ब्रीड नहीं लेना चाहते, लेकिन ये अब स्मूथ हेयर में भी आते हैं सेंट बर्नार्ड। ये देखिए आप, बिल्कुल मैस्टिफ की तरह हेड है इसका। इस ब्रीड का पपी आपको 40,000 का मिलता है, एंड ये जेन ब्रीड के सेगमेंट में बहुत अच्छी ब्रीड है, स्मूथ हेयर सेंट बर्नार्ड। आप इनको खाने में एक टाइम डॉग फूड और एक टाइम होम फूड भी दे सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि सेंट बर्नार्ड बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जो दूसरे डॉग्स हैं उनके मुकाबले ही ये बराबर ही खाते हैं, लगभग 300 ग्राम्स मॉर्निंग में और 300 ग्राम शाम को, ये इसकी डाइट है। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, ये वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। आप जिस हिसाब से, आप जिस डाइट पे इसे डालेंगे तो ये वही खाएंगे। ये डॉग देख रहे हैं आप, इस ब्रीड का नाम है इंग्लिश मैस्टिफ। ये अपने ह्यूज साइज और जेंट ब्रीड के कारण ये जाने जाते हैं, और इन्हें आप कैल्शियम, मल्टीविटामिंस भी दे सकते हैं टाइम टू टाइम, एंड फीडिंग इनटेक इनका पर डे 600 to 700 ग्राम रहता है। ये भी डॉग KCI रजिस्टर्ड है, एंड इंग्लिश मास्टिफ। आपको हैवी रिंकल्स में पप्स अगर हमारे से अगर चाहिए हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इनका जो हेड है वो आगे से ब्रॉड एंड रिंकल वाला होता है अकॉर्डिंग टू एज, ये सब ये यहाँ पर रिंकल आते जाएंगे। एंड इसी में मैस्टिफ में एक और ब्रीड आती है बुल मैस्टिफ, जिनका हेड बिल्कुल पंच में होता है लाइक पग, जो कि ब्रॉड होता है, लेकिन जो उनका हेड है बिल्कुल वो पंच में रहता है और यहाँ से ब्रॉड हो जाता है। ये ब्रीड आप देख रहे हैं, ये है ब्लैक लैब्राडोर जेड ब्लैक, एंड शी इज़ मेटेड एंड कंसीव 30 डेज। अभी इसका जो हमने डाइट प्लान है वो चेंज कर दिया है, ये लगभग 800 ग्राम फूड इनटेक कर रही है पूरे डे में, और स्टार्टर पप ले रही है क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। अभी आप देख रहे होंगे जैसे ये निप्पल्स फीमेल ने अपने शो कर दिया है, तो शी इज़ कंसीव्ड एंड प्रेगनेंट। आप इसकी क्वालिटी देख रहे हैं, हेड साइज़, ईयर साइज़ एंड टेल साइज़ जस्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट, एंड शी इज़ प्रेगनेंट। आप देख रहे होंगे जो इसका फर्स्ट सिम्टम है, ये इसके जो निप्पल्स हैं वो हैवी होना स्टार्ट हो गए हैं,